जब मेरी क्लास में लेट आना था तो आई क्यों? गेट आउट ऑफ माय क्लास। 5 मिनट लेट आओगे तो 20 मिनट बाहर खड़ा होना पड़ेगा। गेट आउट आई सेड। 27 out of 30 3 मार्क कहाँ गए? चैरिटी में डोनेट कर दिया क्या? मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी हूँ ताकि तुम 3 मार्क्स छोड़ाओ। 3 मार्क कहाँ गए? कुत्ता खा गया। इधर आओ, इधर खड़े हो, अपना हाथ आगे करो। कितने मार्क्स गए? 3। 1 2 3। ओ हेलो, ये कोई फैशन शो है क्या? इतनी छोटी स्कर्ट पहन के ट्यूशन में कौन आता है? चलो घर जाओ, अपनी मम्मी को बोलो कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं आने, ये कोई फैशन शो नहीं है। आई डोंट वांट टू सी योर ब्यूटीफुल लेग्स हियर। अभी अपने घर जाओ और फुल पैंट पहन कर आओ। यू आर हैप्पीली कमिंग एंड टेलिंग मी टीचर 30 on 30 मिला। अरे पंडित बनेगी क्या? टीचर को सिखा रही है। पूछो अभी क्वेश्चन, पूछो। बैठो अभी, नीचे बैठो। नील डाउन एंड फेस द वॉल। बहुत गहरी दोस्ती है, चिपक के बैठोगे। दोनों अलग अलग कॉर्नर में बैठो। तुम उधर बैठो और तुम उधर बैठो। वेरी नाइस हैंड राइटिंग। हाँ रियली मैडम। नो, गेट आउट ऑफ माय क्लास। जाके उस अर्चना मैडम से ही पढ़ो। नाउ स्टॉप टॉकिंग, दो अपनी बुक। कितने मार्क्स चाहिए तुझे? 75 मार्क्स चाहिए। देखो तो 30 भी मिल जाएंगे ना, बहुत है। अच्छा ठीक है, ना तेरा ना मेरा 45 मार्क्स। अरे 45 ठीक है, तू फेल भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? तेरे पापा का तो बिजनेस है ना। अच्छा ऐसा कर, 1000 रुपए निकाल, मैं पेपर आउट कराता हूँ। चैप्टर 1 तू छोड़ दे, तुझे नहीं समझ आने वाला। और फिर चैप्टर 2 के पहले 2 क्वेश्चन तू याद कर ले, बस तेरे लिए इतना काफी है। और चैप्टर थ्री तो मेरे को ही नहीं आता रे, तू क्या करेगा पढ़ के? 40% से ज्यादा आ गया ना तुझे? पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटूंगा, आधी मूंछ भी कटवा दूंगा। ये ले मैम, ये क्वेश्चन पेपर हो गया। मैम ये आंसर हो गया। मैम मैम क्या है? तेरी वजह से मेरा अनुपमा का डायलॉग मिस हो गया, अब रात को फिर से देखना पड़ेगा। क्या है? मैम मैम सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। मैम यार 5 मिनट होगा भाई। मैम मैम सॉल्व हो गया। मैम मैम हेलो। अरे यार मैं फ्री हूँ, तू बिंदास बात कर। मैम हाँ बोल। मैम समझ में नहीं आ रहा। मैम अरे यार तू बोल ना यार, मैंने इन्हें ना एक प्रॉब्लम देके बिठा दिया, अब ये लगे रहेंगे पूरी क्लास। मैम 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 समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, तुम लोगों को बोला है ना, दिख नहीं रहा, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ, चुप रहो। मैम 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 अरे यार तू बिंदास बात कर। किस किस ने इस महीने की फीस नहीं भरी? ऋषि इस महीने भी तुम्हारी मम्मी ने फीस नहीं भरी है ना, घर जाके सबसे पहले उन्हें याद दिलाना है। पिंकी तुम्हारी भी फीस नहीं आई है, इस मंथ की भी और पिछले मंथ की भी। ऐसा करो अपनी नोटबुक दो, मैं उसमें लिख के देती हूँ। हेलो अनवी की मम्मी, आप अनवी के स्कूल की फीस टाइम पे भरते हो ना, तो फिर ये वाली फीस क्यों नहीं भर रहे हो? ये भी भरना पड़ेगा। हाँ पिछले साल से तो ज्यादा ही है फीस, नहीं पढ़ाई भी बढ़ गई है ना, ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ज्यादा फीस तो भरनी पड़ेगी। सौरभ आप ना अभी घर जाओ, अपनी मम्मी को बोलना पहले फीस भेजे, फिर ही तुम आना। अंडी तुम अर्चना मैडम के यहाँ मैथ पढ़ने जाती थी ना, वैसे वो कितनी फीस चार्ज करती थी? मम्मी से पूछ के बताओगी? गुड गर्ल। चलो चलो जल्दी खत्म करो, 1 घंटा होने वाला है। अपनी मम्मी से बोलो अगर 1 घंटे से ज्यादा बिठाना है ना यहाँ पर तो ज्यादा पैसे दे। चलो अभी जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाओ। मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। स्कूल में नहीं सिखाया है? मैम स्कूल में नहीं समझा इसलिए तो आपके पास आया। क्या सिखाया स्कूल में? नोट्स नहीं है इसके, दिखाओ। ऐसा करो तुम अगला वाला क्वेश्चन करो, मैं बताती हूँ अभी। हेलो शीला, तूने अपने क्लास में कुछ प्लस माइनस कुछ सिखाया था क्या? हाँ वही वही, इन बच्चों को ना कुछ समझ में नहीं आया है, तू वो रिकॉर्ड करके भेजेगी क्या? मैं इन सबको वही सुना दूंगी। अभी तक उसका रिकॉर्डिंग आया नहीं है, रुक जा गूगल पे देखती हूँ। तुम टेक्स्ट बुक में चेक करो, टेक्स्ट बुक में रहेगा। वैसे तुम 6th स्टैंडर्ड में हो ना? नहीं मैम 8। हैं तो फिर 6th में कौन है? तुम्हारे एग्जाम कब से चालू हो रहे हैं? नेक्स्ट मंथ मैम। नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ तो मैं शिमला जा रही हूँ, पहले बताने का था ना। तुम्हारा नाम अक्षय है ना? नहीं मैम संजीत। संजीत तो तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। अरे तो फिर अक्षय कौन है? इस क्लास में अक्षय नहीं है? कैसा लगा वीडियो? अच्छा था ना, तो फिर इस वीडियो को करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।